नमस्कार, वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों में। 5,20,00,000 रुपए की लागत से बने एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों सहित नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाठी, जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव सहित शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। देखिए खास रिपोर्ट। इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाकर देख रहे होंगे, कहीं न कहीं भावनाएं उनकी। आज ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री महोदय हमें याद कर रहे हैं, हम याद करते हैं। अच्छा, जो मेरे मित्र लोग हैं जिनकी उसमें रुचि है कि एस्ट्रो टर्फ बन जाए, आर्टिफिशियल सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ, इससे अब जो लोग हैं अच्छी खिलाड़ी सब टर्फ पर होती है। बात की अब जैसे बताया बुंदेलखंड का पहला एस्ट्रो टर्फ बन के खेलने को लिए तैयार है, और निवेदन ये करना चाहता हूँ, इतना ही नहीं हमारी योजना आगे चल के इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की है। जहाँ आप देख रहे हो ऊपर तो जिम का प्रोविजन हो गया है और गैलरी है, उसके पीछे लॉन टेनिस, बैडमिंटन का कोर्ट और दूसरे जो खेल हैं जिनमें कम जगह लगती है वो सब वहाँ पर रहेंगे। हमारा जो पुराना ये स्टेडियम है इसको हम क्रिकेट का खेलने के लिए इसको सही तरीके से बनवाएंगे कि जहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल का खेल हो सके। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के 2 साल पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज शहर की स्थिति देखिए। बीच रोड पर किस तरह मंदिरों के सामने व सड़कों पर कचड़ों के ढेर लगे रहते हैं। ये कचड़ा वार्डवासी नहीं बल्कि स्वयं नगर पालिका के कर्मचारी इकट्ठा करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सच्ची ईश्वर सेवा मानव सेवा में है आया है। दैत्य नारायण भोज संस्था द्वारा पिछले 20 वर्षों से रोज असहाय लोगों को भोजन कराया जाता है। वहीं पितृपक्ष पर 15 दिन लगातार किसान भवन में सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक दरिद्रों को, असहाय लोगों को भोजन कराया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं लेना पड़ता।
जी बताएं क्या आयोजन है ये प्रतिवर्ष साल विशाल लगभग 20 वर्ष से पितृपर्व को हम लोग महापर्व के रूप में मनाते हैं और 15 दिन अंधे अपाहिज और गरीब लोगों को भोजन करा के हम लोग ये पर्व मनाते हैं और श्री दर्जनारायण भोज करके जो समिति है वो साल भर जो है वर्ष भर अंधे अपाहिज और असहाय व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। जी बताएं किस प्रकार का आयोजन है ये? मानव सेवा है, गरीब असहाय लोगों की सेवा तो वैसे हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं लेकिन ये 15 दिन खास तौर पर के लिए समर्पित होते हैं जिससे कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, हमारे दमों से परिवार को हमेशा उनकी कृपा बनी रहे, इसी कृपा से हम कार्यक्रम करते हैं। जी बताइए, जैसा आप लोग जानते हैं कि शहर में ढंग से काफ़ी समय से संचालित है, श्री नामदेव जी की अगुवाई में एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो कमजोर वर्ग के भाई हैं बहन हैं उनको भी हम सम्मान एहसास कराएं कि वो भी हमारे समाज के अंग हैं और उनको हम सम्मान एक आदरपूर्वक बिठाल के लिए 15 दिन भोजन कराते हैं। भोगी से प्रेरित हैं, भोजन कराना अपने आप में एक अलग बात है, जैसे हमें लगता है कि आज के दौर में भोजन वो समस्या नहीं रहेगी, अवश्य है उनको एक सम्मानजनक ढंग से जीने उससे प्रेरणा हम लोगों को मिल सके तो हम लोग अपने इस कार्यक्रम को सफल मानेंगे। नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान फटेरा वार्ड 2 में देसी शराब दुकान के सामने पाइपलाइन फट जाने से कई गैलन पानी बह गया, देखिए खास रिपोर्ट। बेटा रख रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम प्रतिदिन अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा एकता मंच के द्वारा आज क्विलिंग आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने एक से एक आकृतियां बनाई। वहीं कल यशोदा कृष्ण बनकर घर से आना है प्रतियोगिता का आयोजन महिला मिलन समिति द्वारा किया जाएगा।
उधर देखो उधर जी। बताइए आपने चित्रकला में क्या अंकित किया है, चित्रकला में क्या दिखाना चाहते हैं? हॉस्पिटल में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें 26 से 30 तारीख के बीच में रंगोली और पोस्टर का कार्यक्रम होना था, तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। आपने क्या दिखाने की कोशिश की है कि हमें स्वच्छता
आज आपको मंच से सम्मानित किया, कैसा लगा? से पधारे हुए अरवाल जी, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं जिन लोगों को मंच पर आमंत्रित करने के लिए पूर्व में भी बोल चुका हूं, जिन लोगों को ये सूचना नहीं भी मिल पाई है और मैंने उनके नाम यहां मंच से पुकारे हुए हैं, कृपया मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें एवं कार्य की रूपरेखा आगे हो सके। सम्मानीय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे हुए हमारे अतिथि लोग एवं भक्तागण यहाँ विराजमान हो चुके हैं। दमोह की नगरी में गौरव का विषय है, हमारे आमंत्रण पर दूर दूर से यहाँ आकर के हमारी नगरी को गौरवान्वित किया है। मैं उनका उन अधिकार पदाधिकारियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।